द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, कर्नाटक के परिणाम अब लगभग अपने निर्णायक बढ़त की तरफ बढ़ने लगे हैं और ऐसे में साफ होता जा रहा है कि बीजेपी दक्षिण भारत से पूरी तरह से साफ हो रही है। ये कुछ ही घंटों का खेल है, उसके बाद समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के कितने विधायक वहां बचेंगे। लेकिन जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं टीवी चैनल्स के ऊपर, वो बहुत ही घातक है भाजपा के लिए। न्यूज 24 ने तो कांग्रेस को 149 लगभग 150 सीटों की ऊपर बढ़त बताते हुए दिखाया है और भारतीय जनता पार्टी को 65 सीटों पर सिमटता हुआ दिखाया है। ऐसी स्थिति ऊपर नीचे होती गई है न्यूज 24 पे ही। कांग्रेस पार्टी 123 पे भी आई है और बीजेपी 77 पे भी आई है, लेकिन गेन जो हुआ है वो कहीं ना कहीं जेडीएस का ज्यादा हुआ। ऐसी स्थिति के अंदर बीजेपी की सीटों के ऊपर ना के कांग्रेस पार्टी का नुकसान हुआ। कांग्रेस अपनी निर्णायक बढ़त की तरफ है, जो कभी 123 है, कभी 125 है, एक जगह पर 144 भी छुआ है। ये आप न्यूज 24 के जो स्क्रीनशॉट्स हैं इनके ऊपर देख सकते हैं। लेकिन स्थिति भारतीय जनता पार्टी की लगभग साफ हो चुकी है कि वो और जेडीएस अगर मिलके भी सरकार बनाना चाहें तो ये असंभव है, बहुमत के आंकड़े को नहीं छू सकते हैं। 113 का बहुमत का आंकड़ा है और कांग्रेस पार्टी 120 के ऊपर ही चल रही है, कहीं कहीं 150 टच किया है। और ऐसी स्थिति के अंदर बीजेपी के नेताओं की उम्मीदों पर अब तमाम तरह की जितनी भी उम्मीदें थी उन पर पानी फिरता हुआ दिख रहा है और कर्नाटक में कोई भी इशू नहीं चला। कांग्रेस के नेताओं ने साफ तौर के ऊपर बजरंग दल का मुद्दा जो बनाया था, बजरंग दल PFI बैन करने का, ऐसे सारे संगठन बैन करने का जो माहौल खराब करते हैं जनता में, वो कनेक्ट हुआ, ना कि नफरतबाजी। बीजेपी ने बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ा और उसका शायद नुकसान भी बीजेपी को उठाना पड़ा है कि अब एक बात साफ हो गई है, कम्युनल कार्ड जो है वो एक सीमित समय तक चलता है, लंबे समय तक नहीं चलता है। जो कर्नाटक की जनता ने वोट दिया है ये इस बात को प्रमाणित करता है। तो बीजेपी के लिए 2024 को लेकर अब चिंताएं बढ़ेंगी। एबीपी न्यूज ने तो लिख ही दिया है, कर्नाटक के रुझानों में टूटा बीजेपी का तिलिस्म, आंकड़ों में कांग्रेस का जलवा, अपने दम पर बनाएगी सरकार। अब ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट होता दिख रहा है कि न जेडीएस का साथ देना पड़ेगा, और एक मजबूत सरकार वो होती है जब गठबंधन ऐसा पोस्टपोन नहीं करना पड़े, जिसमें बहुत सारी चीजें माननी पड़ती हैं उस पार्टनर की जिसका जो मैंडेट है वो कम है, लेकिन फिर वो डोमिनेट करता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर फायदा पिछली बार भी बीजेपी को हुआ था, इस बार उसको वो फायदा भी नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान ने लिखा है, प्रियांक को बढ़त, कांग्रेस को बहुमत, खड़गे को मिलेगी मिली दोहरी खुशी। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के, उनके जो पुत्र हैं प्रियांक खड़गे, वो भी जीत की तरफ दिख रहे हैं और कांग्रेस को बहुमत दिख रहा है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर के ऊपर उनको एक सफलता यहां मिली है। इसके अंदर महत्वपूर्ण बात यह हो गई है कि जो सिद्धरमैया हैं या DK शिव कुमार हैं, ये तमाम लोग बढ़त की तरफ हैं। तो एक बात साफ हो गई है कि जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, जो चेहरे रहे हैं, वो सब आगे चल रहे हैं, चाहे वो DK शिव कुमार हो, सिद्धरमैया जी हो, ये तमाम लोग अपनी अपनी सीट्स पर आ गए हैं। लेकिन चिंता की बात जेडीएस के लिए है, क्योंकि जेडीएस के सबसे बड़े चेहरे HD कुमारस्वामी जो हैं, वो अपनी सीट पर पुश्तैनी पैतृक सीट के ऊपर पिछड़े हुए हैं। तो ये स्थिति लगभग यह है कि कांग्रेस को एक तरफा बढ़त दी है कर्नाटक की जनता ने, कि विकल्प कांग्रेस का सरकार बनाने के लिए तो वोट बांटे नहीं जनता ने, ना मुस्लिम वोट बटे, ना दूसरी जातियों के वोट बटे, और साफ साफ तौर के ऊपर बीजेपी को बड़ा डेंट कर्नाटक की जनता ने मार दिया। यहां एक और महत्वपूर्ण चीज है, लिंगायत कम्युनिटी जो बीजेपी से नाराज बताई जा रही थी, वो भी प्रमाणित हो गया, क्योंकि जो लिंगायत नेता बीजेपी से कांग्रेस में गए थे वो बढ़त की तरफ है, उनको बढ़त मिली हुई है, चाहे वो जगदीश शेट्टर हो हुबली से या दूसरे कोई नेता हो। तो जो नेता बीजेपी से गए, लिंगायत कम्युनिटी ने जो अपील करी वो फोरम पे, अपने ऑफिशियल फोरम के ऊपर कांग्रेस को समर्थन देना है, वो भी चल गया। बीजेपी को हर तरफ से नुकसान उठाना पड़ा। हुबली में जगदीश शेट्टर का टिकट बीजेपी काट रही थी, क्या वजह थी उसकी कि वो आज कांग्रेस के टिकट पर जीत रहे हैं। तो ऐसे के अंदर बीजेपी ने जिनके करियर खत्म कर रहे थे वो करने का पूरा काम कर दिया था, वो कांग्रेस के टिकट के ऊपर अब आगे बढ़ चुके हैं। लिंगायत कम्युनिटी ऐसा लगता है कि मानो बीजेपी से पूरी तरह साफ हो गई है। मुस्लिम आरक्षण को भाजपा ने खत्म किया था, 4% जो मिलता था, क्योंकि मुसलमान वहां पिछड़े वर्ग में आते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर भी ये ध्रुवीकरण की राजनीति करने का काम किया बीजेपी ने, और 2-2% वोकल एकता कम्युनिटी और लिंगायत कम्युनिटी को देने का, उनसे छीन के दिखाया कि हमने तुम्हें दे दिया है, वो भी नहीं चला, क्योंकि सब जानते हैं चुनाव जीतने के
लिए किया गया था वही लिंगायत कम्युनिटी बीजेपी के विरोध में वोट डालकर आज साबित कर गई कि बीजेपी कहीं पर भी किसी को भी स्वीकार नहीं है। शुरुआती जो अभी देखें तो एबीपी ने तो ये तक दिखा दिया है कि बीजेपी 68 सीटों के ऊपर है और 137 पे कांग्रेस जा रही है। तो डीके शिवकुमार की वो बात जो उन्होंने कही थी कि ये एग्जिट पोल्स को नहीं मानता, कांग्रेस पार्टी इससे बहुत आगे जाएगी, वो भी लगभग ऐसा ही दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी ने सुपड़ा साफ कर दिया है भाजपा का और कर्नाटक हार के बीजेपी अब दक्षिण भारत से भी निपट रही है। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज यह है कि ये कल जयराम रमेश जी ने कहा था कि ये हार सीधे मोदी जी की होगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के काम छोड़कर जिस तरह से अंतिम दिनों में कर्नाटक में प्रचार प्रसार किया था, सारी फजीहत एक तरफ रख के, उसमें दिख गया था कि चेहरा सिर्फ अब मोदी जी बचे हैं और मोदी जी के चेहरे को भी जनता ने वहां नकार दिया और उस चेहरे को गोदी मीडिया ने भी हटा दिया। राकेश त्यागी ने लिखा एक स्क्रीनशॉट लगा के आज तक का, बीजेपी कर्नाटक में हार रही है इसलिए मीडिया नड्डा की तस्वीर लगा रही है, अगर जीत होती मोदी साहब की चमचमाती तस्वीर उड़ रही होती। देख लीजिए आप जेपी नड्डा जी जिनको हार का सामना करना पड़ता है, जहां जहां हारती है बीजेपी और जीत के लिए मोदी जी आ जाते हैं। ऐसे के अंदर एक बात साफ हो गई है कि जो कम्युनल कार्ड खेला गया, जिस तरह से कम्युनल एंगल खेला गया, वो सब फेल हो गया और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, मोहब्बत की दुकान लगाना नफरत के बाजार के अंदर, वो सारी चीजें कनेक्ट कर गई। और एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है, जो लोग सांप्रदायिकता के दम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो लोग ध्रुवीकरण के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो हिंदू और मुसलमानों को बांट के चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो मुद्दे कहीं ना कहीं फेल हो जाएंगे अगर आपके मुख्य मुद्दे जनता को परेशान कर रहे हैं, जो कि बेरोजगारी है, जो कि गरीबी है, भुखमरी है, ये तमाम चीजें हैं जो जनता सुनना चाहती थी। और बीजेपी ने उसके अलावा सारा उल्टा काम किया, अपनी सरकार की नाकामियों को छिपाने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया और ये धार्मिक कार्ड इस बार नहीं चला। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा और बार बार हमारे YouTube चैनल पर आते रहिएगा क्योंकि अपडेट्स यहाँ पे आते रहेंगे। तो लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर हमारे कंटेंट को शेयर भी किया कीजिए, साथ में जो आपके साथी हैं उनसे भी कहिए कि वो भी इसको आगे बढ़ाएं क्योंकि रीच बहुत कम कर दी गई है, इससे बढ़ जाएगी। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।